नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अहले सुबह एक भीषण हादसा हो गया। बता दें कि बेहटा मुजावर क्षेत्र के गधा गांव के समीप स्लीपर बस आगे चल रहे दूध के टैंकर में पीछे से टकरा गई। इस भीषण हादसे में एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अफसर को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। हादसे के बारे में बता दें कि यह हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ, जिसमें स्लीपर बस आगे चल रहे दूध टैंकर से पीछे से टकरा गई। इस भीषण हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। यूपीडा कर्मियों ने पुलिस को सूचना देकर बचाव कार्य शुरू किया। इसी बीच मौके पर पहुंची बांगरमऊ बेहटा मुजावर थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया। इस बारे में सीओ अरविंद सिंह ने बताया कि बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, जिसमें अधिकतर मजदूर सवार थे। बस में करीब 50 लोग सवार थे और चालक को झपकी लगने से हादसे की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि दिवंगत लोगों व घायलों के नाम पते की जानकारी निकाली जा रही है। सभी को बांगरमऊ सीएचसी में भर्ती करवाया गया। एसडीएम नम्रता सिंह ने पहले घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की, फिर सीएचसी में घायलों से जानकारी ली, डॉक्टरों को इलाज के निर्देश भी दिए।